हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीकर चैनल से। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी कि मैं वीकली केयर कैसे करती हूं अपनी स्किन की, क्योंकि हर दो दिन बाद तो मैं करती ही हूं, बट मैं वीकली भी करती हूं और मंथली भी करती हूं। और क्योंकि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हम घर से बाहर जाते हैं, मैं तो रोज़ घर से अप डाउन करती हूँ, घर से पार्लर, पार्लर से घर, तो स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं वीकली केयर कैसे करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ। तो मैं क्या है मेरी, तो मैं आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि मैं वीकली स्किन केयर कैसे करती हूँ। और मैं जिससे करती हूँ वो है एलोवेरा, अरोमा का एलोवेरा। ये है फेस पैक, एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये फेशियल जेल है। और तीसरा नंबर है स्क्रब। तो मैं हर दो दिन बाद भी स्किन की केयर करती हूँ। वैसे तो एवरी डे की केयर करनी है, सुबह और शाम स्किन को क्लीन करना है, क्लींजिंग से क्लीन करना है। एंड अगर आप स्क्रबिंग करना चाहते हो तो दो दिन बाद कर सकते हो। एंड वीकली मैं दो दिन बाद भी फॉलो करती हूँ, एवरी डे भी करती हूँ, एंड वीकली तो ज़रूर करती हूँ, और मंथली तो आपको कराना ही है। तो ये बस ये तीन चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ अपने वीकली में, और मंथली में तो पूरा फेशियल ट्रीटमेंट होती है। तो वीकली में ये तीन चीज़ें लेती हूँ, स्क्रब, जेल एंड पैक। तो मैं इसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। वैसे मेरे फेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एलोवेरा लेती हूँ, क्योंकि एलोवेरा वैसे सूटेबल होती है, एंड इस और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। और अगर किसी के स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो एलोवेरा ले, एलोवेरा से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं एलोवेरा कर लेती हूँ। इसे मैं सबसे पहले इस फेशियल ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो मैं निकाल लेती हूँ उसके बाद, ये है जेल, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए उतनी मैं निकालूँगी। यह है स्क्रब, एंड ये है पैक। तो फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ें मैंने निकाल लिया है, स्क्रब, पैक एंड जेल, ये तीन चीज़ें निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एलोवेरा ही ज़रूरी है, मैं एलोवेरा ही करती हूँ, मेरे स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। अगर मुझे कोई और किट लेनी होती तो भी मैं ले सकती थी। तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम एलोवेरा का ले रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार ले। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा एलोवेरा ही लेती हूँ, मैं कुछ और भी ले सकती हूँ अपने स्किन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। विंटर सीजन में कुछ लेते हैं, समर सीजन में कुछ और लेते हैं। तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम एलोवेरा का लिया, एलोवेरा भी वैसे मेरे स्किन में सूटेबल है तो एलोवेरा ले लिया। अगर आप फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पार्लर नहीं जा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं अपना हेयर को कवर कर लेती हूँ इस बैंड से। स्टेप वगैरह मैं बहुत सारी वीडियोस में बताई हूँ, सेल्फ में भी मैंने बताया है, और अगर किसी क्लाइंट की कर रही हूँ तो वहाँ भी मैंने स्टेप्स वगैरह बताए हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या वीडियोस बनाई हैं, क्या क्या मैंने फेशियल्स में स्टेप्स बताए हैं, क्या क्या फेशियल ट्रीटमेंट दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्क्रबिंग कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे स्क्रबिंग लेने का मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, किसी कारण से मुझे वीडियो कट करनी पड़ी, उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पे मैं स्क्रब कर रही हूँ, यहाँ पे लिख के भी आ रहा होगा, तो स्क्रब मैं कर रही हूँ। और स्टेप्स वगैरह तो मैंने पहले ही वीडियोज़ में बताए हुए हैं, और अगर ना समझ आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक की है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और अगर समझ आ रही है मेरी मिस्टेक, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना।
तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं स्क्रब कर लेती हूँ। और स्क्रब तो यहाँ पे मैं स्क्रब इसलिए करती हूँ कि स्क्रब से डेड स्किन रिमूव होते हैं, क्योंकि डेड स्किन अगर बैठ जाती है तो स्किन डल डल सी दिखने लग जाती है। एंड मैं हर वीडियो में बोलती भी हूँ कि हर दो दिन बाद आप स्क्रब किया करो, अगर दो दिन में नहीं कर सकते तो आप वीकली ज़रूर करो, बट ये स्क्रबिंग करना बहुत ज़रूरी है फेस के लिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रब कर ली हूँ, अब मैं इसे रिमूव करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं रिमूव कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, अब मैं जेल अप्लाई करूँगी। एंड जेल मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्किन टाइटनिंग के लिए होती है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा मसाज नहीं करेंगे, वैसे मसाज करके वैसे ऑब्जर्व कर देंगे, ज़्यादा मसाज नहीं करेंगे। एंड फेशियल क्लीनअप जो भी होती है उसमें कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा प्रेशर से हमने किया नहीं तो ग्लो कैसे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से करो मसाज और ग्लो आ जाएगा, वो स्किन के अकॉर्डिंग होती है। अगर स्किन किसी की हार्ड है थोड़ा तो थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, और अगर हम वीकली एवरीडे मंथली सारा केयर करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा स्किन जो है वो छिल सकती है, हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हल्का हल्का ही करें अगर आप रूटीन में हो तो। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से मैं जेल भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना है। मैं वीकली केयर में हूँ तो वीकली केयर कर रही हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एंड यहाँ पे जो भी स्टेप्स है वो मैं जल्दी जल्दी करूँगी, आप जो भी स्टेप्स कर सकते हैं वो कर लेना, ज़रूरी नहीं कि सारे ही करने हैं, बट एक दो स्टेप तो आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैं कर ली हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व हो गई है, देखिए स्किन अभी शाइन कर रही है। एंड लास्ट में मैं दिखाती हूँ जब मैं पैक रिमूव करूँगी, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से पैक अप्लाई कर लेती हूँ, और आई एरिया में भी ज़रूर करना है अच्छी तरह से। तो अब मैं जल्दी से पैक अप्लाई कर लेती हूँ, अप्लाई करने के बाद सूखने में भी टाइम लगेगा, तो सूखने के बाद मैं आती हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पैक अप्लाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पैक जो है वो ड्राई हो गई है, सूख गई है, तो इसे मैं मसाज दूंगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसे रिमूव करूँगी, उसके बाद मैं आपको लास्ट का रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मसाज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो हमारी स्किन को चाहिए। एंड अगर आप ऐसे रिमूव करते हो तो ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और अगर आप मसाज देते हो तो उसकी मॉइस्चर भी स्किन में मिल जाती है एंड रिमूव भी अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए मैं मसाज देती हूँ, और मसाज देना भी ज़रूरी है। तो अब मैं क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट का। ये है मेरा लास्ट का लुक, फेस में थोड़ा सा ग्लो तो आया ही है, क्योंकि डस्ट हम जब रिमूव करते हैं तो अचानक से ही ग्लो नहीं आ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप करते हो, अगर बिगिनर्स हो तो आप सुबह तक, अगर आप शाम को करते हो तो सुबह तक आप, सुबह आपको फेस वॉश करना है, आपको रात में फेस वॉश नहीं करना है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में करते हो तो शाम तक आपको फेस वॉश नहीं करनी चाहिए, मतलब फेस वॉश आपको ठीक 12 घंटे के बाद आप कर सकते हो। तो
फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आप सेल्फ चाहते हो तो आप कर सको ये वीडियो देख के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।